हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मीते तो आ लोग खैर हो, आफिया से होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पर कर आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त व्लॉग तुम्हारी पेश करते हैं। जेड़े बंदे नवे देख रहे जल्दी नाल मेरा चैनल कर दो सब्सक्राइब, ताकि हर तरह जो मेरी नवी वीडियो तक सब तो पहले पहुँच सके। माशाल्लाह असं अज आए थी मुरब्बे सुबह सुबह, अज जुम्मा वा तो अज तो जाना सी भाई यूनिवर्सिटी, लेकिन हो गई छुट्टी। अज अचानक छुट्टी हुई है तो अचानक फिर असी सोचा चलो अज एक काम कर आने, क्योंकि असी कल जरा वा वो भाई आओ बेर पिछे बिघा नज़र आ रहा वो करनी सी रोहनी गंदम वास्ते, इन्हें पानी लाना सी वाहन भरना सी। तो असी सोचा चलो अज छुट्टी हुई अज का काम जरा वा अज ही नबेड़ आने। माशाल्लाह असी आए मुरब्बे, मैं भाई साकब तो अजरार, असी मुरब्बे आ गए हैं। आन के हुण चलाउण लगे हैं टूअल, तो बाकी बड़ी इंपोर्टेंट गल्लां वा जिहड़ियां गंदम दे हवाले ने इंशाल्लाह ताला अज्ज दी वीडियो तुहाडे नाल करांगे शेयर। तो सारी वीडियो वेखनी है, सारी वीडियो वेखण लई तुसीं जिहड़ा वा वीडियो दे नाल रहना वा अटैच, इंशाल्लाह ताला देख के तुहानूं फुल मज़ा आऊगा। साढ़े गुआंढियां ने यानी जिहड़े भाई साढ़े मुरब्बे दे गुआंढी, उन्हां ने रात दी कणक बीजी है ते आलियां जिहड़ियां वा उह कढ़न लगे सी, लियां पईआं सी, क्योंकि असीं हुण लंघाउणा पाणी इत्थां। रात का ट्रैक्टर लंघिया इस करके भाई लियां पईआं इत्थे, असीं ठल ला दिंदे आ। आओ मिट्टी चुको जिहड़ी नहीं, हेते हेते हा जगह ते हेते ला दे, हेते ला दे, हेते ला दे। चल पानी ठंडा होना, ठंड भी नहीं आई है। कई लाए माशाल्लाह जी, अलहमदुलिल्लाह ठल असी ला ली है। आयो भाई हुण चलाउंदे हां टूअल। हाँ भाई चेक करो, असी इत्थे कीता वा बैल्ट दा इस्तेमाल, पटे दा इस्तेमाल जिहड़ा वा ना उह फिर यानी पटा लाथी जांदा वा, बरोदा वगैरह लाउणा पैंदा ना, बैल्ट दी कोई टेंशन नहीं है ना लथ दा वा, ते ऐं जिहड़ा वा टाइट रहिंदा वा पाणी पूरा फिर सुटदा टूअल। सब तो जिहड़ा फायदा इहदा वा पर इहदा बैल्ट दा, इह बारिश वी नहीं यानी बंद नहीं हुंदा है, क्योंकि बारिश जदों हुंदी आ पटा स्लिप हो गए तो लाथियां का वा, लेकिन यदा यह फायदा वा बारिश भी चलता रहता। भाई गेड़ा जो होंगे वा भारा, क्योंकि बैल्ट टाइट बहुत होंगे वा, इसलिए फुल जान है गेड़ा लेना पड़ता। पानी आ गया,
माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी साडा एक कैरा जड़ा ही क्या करने फुल हो गया सी ते उहदा पानी असीं हुण इधर वड़ता ते हुण भाई दूसरा कैरा भी जड़ा दो कनालां दा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जड़ा वा तकरीबन हाफ हो गया वा ते कुछ देर बाद इंशाल्लाह तआला असीं ट्यूबवैल बंद कर देंगे यानी बहुत जल्दी भर गया वा पानी माशाल्लाह पूरा कट रहा ट्यूबवैल ते जरा ही कोई दोवें चौवें घंटे का काम सी साडा जरा तकरीबन डेढ़ घंटे दोवें घंटे खत्म हो चलना माशाल्लाह जी आ साडा पहला कैरा जो भड़िया तो आ दूसरा ये भी तकरीबन हाफ तो बल्कि टप गया हूँ बस होर कोई भी पच्ची मिनट चलाना पैना ट्यूबवैल आ सैड रह गई है तो नाल आ सैड रह गई है बस अल्हम्दुलिल्लाह जिदा कि तुम देख रहे हैं असं अपने विघे की रोनिंग कर रहे हैं गंदम की बिजाई ली तो गंदम की जी बिजाई है वह मैं दसूँगा किड़े टाइम से बेस्ट रही है तो किड़े टाइम से बीजनी चाहिए गेती कि पछेती कि बाकी जरा वा यानी जरा सही टाइम हो नहीं जा नहीं रहा हाल मैं देख लिया उतो तो माशाल्लाह जी अज तकरीबन हो गई 18 अक्टूबर साढ़े इतने तो पंजाब 18 अक्टूबर हो गई आ ते मौसमी जी सूरत हाल उन्हूँ मद्देनज़र रखद हो ना जरा वा आ बेस्ट टाइम आ जरा वा रोनिंग करन दा यानी जी फसल जी तुसी पहली जी बीजनी है ना गंदम उसकी रोनिंग कर दो यानी उन्हूँ पानी ला दो ये बेस्ट टाइम आ क्योंकि मौसम जरा वा अजकल हले तकरीबन इन्ना ठंडा नहीं होया है जरा दिने वा और टेंपरेचर रहा वा 34 तो 35 तो इस जरा वा रात में ठंडा हो जाता वा तो दिने नहीं होंगे है इस जरा वा हले जी गंदम की जी जिन्होंने गेती करनी है ना गाहक वो भाई हले उन्होंने चाहिए कोई 8 तो 10 दिन स्टे कर लें यानी जिन्होंने हुण मूंजी वढ़ाई 09 या सूत्री जिन्होंने यानी मूंजी जी वढ़ाई है वढ़ी गई है क्योंकि सारी गल उन्होंने हुण वत्तर का भी हिसाब किताब है इसलिए मौसमी जी सूरत हाल उन्होंने मद्देनज़र रखते हैं ना भाई जरा वा तकरीबन कोई हले 8 तो 10 दिन वेट कर लेना चाहिए क्योंकि हले टेंपरेचर बहुत तेज़ आ इसलिए बहुत ही जी अजक कणक बीजनी ना बहुत ही गेती हो जाती है तो वह भाई फिर मसला कर दी यानी फिर वो ट्रिलरिंग नहीं होंगी है ट्रिलरिंग तो मुराद आ कि मतलब वह बूटा नहीं पाड़ता है जिदा हूँ झोने का बूटा होंगे वा उद मतलब वह यानी ट्रिलरिंग ने शाखा नहीं निकलियाँ इसलिए भाई जरा वा हूँ बेस्ट जिन्होंने रोनिंग करनी है ना उन्होंने चाहिए हूँ रोनिंग कर देन क्योंकि अज तो 10 दिनों बाद जी है ना वो बिल्कुल गंदम का जी अगेती है ना यानी बहुत ही अगेती नहीं मतलब बिल्कुल वधिया टाइम हुआ फिर माशाल्लाह जी ट्रिलिंग भी होगी हर चीज़ यानी अच्छी होगी तो इसलिए असी सोचा चलो अज भाई अपनी जी करते हैं रोनी एक बीघा असी रात का भरता वा तो एक हूँ भरन दे बाकी जरा वे एक जरा वा वो इंशाल्लाह सुबह भर देंगे क्योंकि सुबह पानी की बारी है अज वा 18 अक्टूबर तो तकरीबन जी 25 अक्टूबर वा ना उतों बाद 24-25 तो बाद मौसम जरा वा ना टेंपरेचर वो तकरीबन कोई 2-4 सेंटीग्रेड थले आ जाना यानी कोई 30 हो जाना वा 28-30 तो इसलिए वो दिन जी फसल वा ना वो दिन जी गंदम बीजनी वो बड़ा बेस्ट यानी टाइम आ क्योंकि हूँ टेंपरेचर बहुत ज़्यादा तेज़ आ सारी गल अगर हूँ बीजा तो जो बीज वा वो भी यानी जरा वा सीड रेट वा वो भी भाई सूँ जरा वा ज़्यादा इस्तेमाल करना पैना वा अगर 50 किलो यानी इस्तेमाल करते हैं इतने आम टीम के तो सारी गल वा 55 किलो 60 किलो यानी यूज़ करना पैना वा तो इसकी बेस्ट जरा आइडिया वा वो यही है भाई कि गंदम जी 25 अक्टूबर तो बाद 5 अक्टूबर तो पहलो जी काश कर देनी चाहिए है ताकि जरा टाइमो टाइम फिर अच्छी जरा ग्रोथ होंगी आ अगेती गंदम का जरा फायदा वा सब तो वो फायदा वा भी भाई यानी चंगा झाड़ निकलता वा ये गल सच्ची है भाई गंदम जी इसलिए बेस्ट टाइम जरा वा ना आ हूँ दे मौसमी सूरत हाल में जरा हूँ अजक मौसम है ना वो सूरत हाल में मद्देनज़र रखद हो भाई जी गंदम वा वो तकरीबन 25 अक्टूबर तो लैके 5 नवंबर तक जी
इसको बीज देनी चाहिए है, फिर इंशाल्लाह ताला गेती गंदम होगी तो इंशाल्लाह ताला झाड़ भी चंगा निकलूगा। ये बेस्ट टाइम है क्योंकि मौसम हले गर्म वा, इसलिए बीजों हले भी साढ़े इतने पिंड च बीजती है। साढ़े यहाँ पिछे साड़ी जी नज़र आ रही है साड़ी गाड़ी को पहले उस गंदम बीजती रात दी उन्होंने, तो इसकी ये थोड़ी बहुत ज़्यादा गेती है। सारी गल वा उन्होंने बीज भी ज़्यादा इस्तेमाल किया होना वा, तो मुड़के ये रहना भी कला कला पीला व इसकी जड़ा वा 5 अक्टूबर तो बाद जी है ना वो गंदम बीजो। असी भी अज 8 अक्टूबर वा 18 अक्टूबर वा सॉरी, तो वत्तर आंदे आंदे कोई जी साड़ी तकरीबन कोई 8 तो 10 दिन लग जाने, यानी 30 दे राउंड अबाउट असी जाके इतने 28-1-2 इतने जाके असी जी गंदम बीजनी है। तो इंशाल्लाह ताला जो गंदम बीजेंगे इंशाल्लाह ताला दिखावे। बाकी अगेती गंदम की जी बीजनी है ना वह एक होर बड़े नज़र रखना वा, यानी वह खास ख्याल रखना वा भाई कि जो गेती गंदम बीजिए सारी गल बात टेंपरेचर थोड़ा तेज़ हों वा, हूँ भी तेज़ है लेकिन होर जरा वा 24-25 तरीक में जो डाउन होना वा फिर भी कोई 30 तो रहना ही है। तो इसकी जी जी गंदम वा ना वो बत्तर जरा वा थोड़ा गिला ही होना चाहिए, मतलब तार बत्तर होना चाहिए वा, जिदा कि तेल आप बीजीते हैं पूरे तार बत्तर से बीजीते हैं चिली की जो काश करी दी है, इदा ही जी गेती गंदम वा ना वो जी बीजनी है ना वह बत्तर जरा वा वो थोड़ा तार होना चाहिए वा, ता कि जे जर्मीनेट होना वा जो बीज उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा नमी मिले, तो यानी सारे जो टोटल बीज आ वो सारा उगे। इसलिए दो तीन चीज़ा मद्देनजर रखते हुए भाई गंदम बीजनी चाहिए। बाकी गंदम जी वरायटी गंदम की जी हर इलाके यानी जमीन के हिसाब में इस्तेमाल करी दी इंशाल्लाह ताला वह भी मैं तुम्हें बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊँगा वो दसूँगा भी कि जमीन लिय वरायटी जी बेस्ट रही है। असी तो फिलहाल इतने जी अपनी दिलकश वरायटी इसका इंशाल्लाह इस्तेमाल करा, इंशाल्लाह ताला जिदन गंदम बीजेंगे तुम्हें दसागे दिलकश वरायटी जी बड़ी बेस्ट वरायटी है। बाकी जड़िया वा कलराठिया जमीन है वो हर जमीन के हिसाब न जी वरायटी इस्तेमाल करनी चाहिए आ, उदा तो गंदम उगी पैंदी है लेकिन अच्छी पैदावार ली एक अच्छे झाड़ ली इस चीज़ों जोड़ा वा डिसाइड करना पैंता वा, यानी अच्छी बीज की वरायटी मुड़के सारा सिस्टम इंशाल्लाह ताला जिस दिन मैं कणक बीजागा इंशाल्लाह ताला तुहानू दसागा। बाकी अज असीं अलहमदुलिल्लाह अपनी रौनी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला जिन्हां जिन्हां ने भाई गेती गंदम बीजनी है वो भाई अज तो जे अपने वाहन जे 18 अक्टूबर वा भर देने चाहिए है,